नेगेटिव थॉट्स के साथ कैसे डील करें। बहुत दफ़ा हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं और हमारा दिल करता है कि हम नेगेटिव थॉट्स को सोचना बंद कर दें, मगर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास कोई इफेक्टिव वे नहीं होता इनके साथ डील करने के लिए। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी इफेक्टिव टेक्निक्स कि जिन्हें यूज़ करके आप नेगेटिव थॉट्स के साथ बहुत ईजीली डील कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस बात से कि नेगेटिव थॉट्स को ब्लू थॉट्स भी कहा जाता है। अब ब्लू से क्या मुराद है? BLUE B stands for blaming yourself। जब हम अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो जितनी भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका सारा कसूर जो है वो मेरा है, यानी हमने अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। नंबर वन तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो वो सिचुएशन वर्स हुई है, और दूसरा हमने क्या काम किया कि हमने बजाय इसके कि सिचुएशन के ऊपर हम रिस्पॉन्ड करें, हम उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इसका सारा कसूर जो है वो मेरा है। हमने अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ कि हमारी सेल्फ इस्टीम लो हो गई। अब एल क्या स्टैंड करता है? एल से स्टैंड करता है जी लुकिंग फॉर बैड न्यूज़। ब्लेमिंग योर सेल्फ, लुकिंग फॉर बैड न्यूज़, कि आप जो हैं वो सारी बैड न्यूज़ को अपनी तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका सोचने का अंदाज ये बन चुका होता है कि मैंने कहीं से भी बैड न्यूज़ को अटैक करने अपनी तरफ। अच्छा, उसके बाद यू यानी अनहैप्पी गेसिंग। अनहैप्पी गेसिंग क्या होती है जी? अनहैप्पी गेसिंग ये कि फ्यूचर में मेरे साथ जो है वो ऐसी सिचुएशन होने वाली हैं कि जो कि मेरे हक में नहीं जाने वाली, यानी आप अनसर्टेनिटी के साथ डील नहीं कर पाते, आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आप ऐसी गेसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो कि हमेशा वर्स्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जी मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी जहां पर भी मैं काम कर रहा हूं, इसमें ये एक थॉट भी आ सकती है कि जी मैं कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये अनहैप्पी गेसिंग हो रही है। अच्छा, इसमें ई से क्या मुराद है? ब्लू थॉट्स की जो हमने बात की, ई से मुराद है जी कि आप एग्जेजरेट करना स्टार्ट कर दें नेगेटिव इवेंट्स को। यानी अगर आपके दिन में कोई नो अच्छी खबरें हुई हैं, कोई नो अच्छे इवेंट्स हुए हैं, तो आप कोई एक ऐसा इवेंट जो कि वर्स्ट इवेंट था, आप खाली उसी को एग्जेजरेट करी जा रहे हैं पूरे दिन में और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सो हुआ क्या कि आपने ये जो मैंने चार आपसे बातें शेयर की, आप इसके ट्रैप में फंस गए और फिर नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपकी जान नहीं छोड़ती। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनके साथ डील कैसे किया जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई फ्रेंड हमारे से एडवाइस लेने आता है, जब कोई फ्रेंड हमारे से मशवरा लेने आता है किसी भी अपनी प्रॉब्लम का, तो हम उन्हें बहुत बेहतर मशवरा दे देते हैं, और जब वही सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हम क्या करते हैं कि हम पैनिक हो जाते हैं, हमसे नहीं सिचुएशन संभाली जाती। सो करना क्या है? जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, जब भी आपके माइंड में कोई बैड थॉट आ रही है, तो आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेना है कि अगर कोई मेरा दोस्त मेरे पास से थॉट लेकर आता तो मैं उसे क्या मशवरा देता। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप अपने आप से सवाल कीजिए कि मेरी लाइफ में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। यानी मेरे पूरे दिन में कोई ऐसी तीन चीज़ें कौन सी हैं कि जिन्हें मैंने कभी नोटिस नहीं किया मगर वो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रही हैं मेरी ज़िंदगी में। वो कोई आपका ऐसा टीवी शो जो कि आप देख रहे हैं वो हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपकी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, वो कोई आपका ऐसा ब्लॉग जो कि आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं इंटरनेट के ऊपर वो हो सकते हैं, वो आपके इवन फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर हो सकते हैं इवन के जो कि आपको मैसेज करते रहते हैं और आपका आपको बैड कमेंट्स पास करते रहते हैं जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंगर में चले जाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप देखिए कि आपने इन चीज़ों के साथ कैसे डील करना है इफ़ेक्टिव वे में। सो जब आपने ये लिस्ट बना ली तो उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने किस तरह इन नेगेटिव सोर्सेज से दूर होना है और पॉजिटिव सोर्सेज के साथ अपने आप को आपने किस तरह अटैच करना है। एक और टेक्निक ये भी होती है नेगेटिव थॉट्स के साथ डील करने के लिए कि जब भी आपको कोई थॉट आती है नेगेटिव थॉट, तो आप ये सवाल करें अपने आप से कि ये जो थॉट आ रही है मुझे, क्या इस थॉट के बारे में मैं अगले 5 साल बाद भी परेशान हूँगा? क्या ये इतनी ही इंपॉर्टेंट थॉट है?
अगर इसका जवाब आता है कि नहीं, तो फिर आप उस नेगेटिव थॉट के बारे में परेशान होना बंद कर दीजिए। एक और सवाल जो कि आप अपने आप से कर सकते हैं, क्या ये जो थॉट मुझे आ रही है, इस थॉट के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है? क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या मैं इसके रिजल्ट्स को चेंज कर सकता हूँ? अब 99% ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारे साथ जो कि पास्ट की होती हैं, जिसके ऊपर हम रिग्रेट कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं काश मैं वो ना करता। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप पास्ट को जाके चेंज कर सकें। सो ऑब्वियसली आपका आपके अपने पास्ट पे कंट्रोल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने अपने पास्ट पर रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड आपने किस तरह करना है कि आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें। एक और इफेक्टिव टेक्निक नेगेटिव थॉट्स के साथ डील करने की है एक्ट, यानी एक्ट से मुराद है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि आई विल फॉरएवर बी अलोन। तो ये आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट आ रही है इसकी बेसिस क्या है? सो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी कहती है कि सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करें ना, आप ये देखें कि आपके माइंड में ये थॉट क्यों आ रही है और उसके बाद आप उस थॉट को एक्सेप्ट कर लें। ये थॉट आपके माइंड में मोस्ट लाइकली इस वजह से आ रही है क्योंकि रिसेंटली आपने कोई सेपरेशन फेस की है, आपकी डिवोर्स हो चुकी है या आपको कोई ब्रेकअप हुआ है, और ये नेचुरल चीज़ है कि आपके माइंड में ये थॉट आएगी। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे एक्सेप्ट कर लेना। आपने कहना है हाँ, ये जो मेरे माइंड में एक थॉट आ रही है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि अभी मेरी डिवोर्स हुई है या अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है। और आपने फिर उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं। किसी के अगर डिवोर्स होती है तो क्या वो पूरी ज़िंदगी अकेला रहता है? किसी का अगर ब्रेकअप होता है क्या वो पूरी ज़िंदगी अकेला रहता है? सो फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेट्स सपोज 5% ऐसे लोग हैं जो कि सारी ज़िंदगी अकेले रहते हैं, तो 95% ऐसे लोग भी तो हैं ना जो कि अकेले नहीं रहते। अब जो वो 5% लोग अकेले रहते हैं उसमें भी उनकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, उसमें उनका बायोलॉजिकल फैक्टर भी उसमें रोल प्ले कर रहा होता है, उसमें इनका एनवायरनमेंट भी रोल प्ले कर रहा होता है। सो डिफरेंट सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। सो नेगेटिव थॉट्स के साथ डील करने की बहुत स्ट्रेटजीज हैं इस दुनिया में, और हम बेबस हो जाते हैं कि नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आ रही है तो हम इसका डील नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा ना पावरलेस अपने आप को समझते हैं। मगर इस बात को भी हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि पॉजिटिविटी हासिल करने के बेतहाशा सोर्सेज हैं। हम पॉजिटिव बहुत इजीली हो सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ ये है कि हम अपने आप को पॉजिटिव करना चाहें, यानी हमारी नीयत हो कि हमने पॉजिटिव सोचना है और फिर हम उसके लिए एफर्ट्स करते हुए दिखाई दें। सो मेरी दुआ ये है कि अगर आपको कोई भी इस वक्त चीज़ बॉदर कर रही है तो अल्लाह ताला आपको ये हिम्मत दे या आपको ताकत दे कि आप उस चीज़ के साथ बेहतर तौर पर डील कर सकें।